हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कि कमर की नस चली जाए या फिर कमर में दर्द है अचानक, जैसे ऊंचा खाले में ऊंचा ऊंच नीच में कहीं पर पैर गिर जाए या फिर कहीं पे मोच आ जाए, तो इस कंडीशन में कौन सी टेबलेट लें, कौन सी दवाई लें, क्या लगाएं उसमें जिससे सही जल्दी सही हो जाए, तो इस कंडीशन में सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मोच, जैसे कि मोच आ गई है कमर में आ गई है, टांग में आ गई है या फिर पैर में कहीं पे है, तो आप सेम दवाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर को दिखा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले कि जैसे कि आप जैसे कि अंधेरे में चलते हैं, गिर गए हैं या फिर कोई वजन उठाया एकदम से, कोई वजन उठाया जिससे नस चली गई है, तो इस कंडीशन में बहुत दर्द हो रहा है, रात को चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है, तो इस कंडीशन में क्या करें। इस कंडीशन में सबसे पहले ऑक्सीजन डीपी टेबलेट ले लें, जो सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं आप। ऑक्सीजन डीपी ले सकते हैं या फिर एसजी पायरिन ले सकते हैं, इनमें दोनों में से जो भी मिले अवेलेबल वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक एसीलक 150 ले सकते हैं, जिससे जो दवाई खाएंगे आप, इस गैस वगैरह बनती है दवाई, पेन किलर जो भी दवाई खाओगे आप, गैस वगैरह बनती है, तो इसमें डेरीफाइलिन वो एसीलक 150 ले सकते हैं, और एसीलक 150 एसजी पायरिन या फिर ऑक्सीजन डीपी, इनमें दोनों में से एक कोई सी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाएँ, लगभग दो दिन खाएँ, दो दिन में सही हो जाएगी, ठीक है। और इसमें लगाएं क्या, संकरति क्या लगाएं जिससे कि जल्दी आराम मिले, क्या ऐसी चीज़ लगाएं। तो इसमें लगाने की बात है तो लगाने के लिए आप इसमें ओमनी जेल ओइंट आता है वो लगाएं या फिर बोलनी लगाएं, और बोलनी स्प्रे भी आती है, बोलनी स्प्रे भी आती है, ओमनी जेल भी स्प्रे आती है, इनमें दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। बाकी ओइंट लगाएं तो भी बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।